बड़ी खबर आती हुई दिख रही है और शायद इसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि पेपर स्टॉक में बढ़िया एक्शन है। सरकार ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के नियम के लिए नोटिफिकेशन जारी करी है। ये आपके लिए सबसे बड़ी खबर इस समय आती हुई दिख रही है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के नियम सरकार ने इस समय जारी किए हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर ये कुछ नोटिफिकेशन आते हुए दिख रहा है, जिसका आप डायरेक्ट इंपैक्ट भी पेपर सेक्टर पर आते हुए देखेंगे। सरकार ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए रूल्स जारी किए हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक की तारीख को नोटिफाई कर दिया है। तो लंबे समय से इसका इंतजार था, बट अब फाइनली ये तारीख आते हुए दिख रही है। ईयरबड्स, गुब्बारे, झंडे, कैंडी के इस्तेमाल में जो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, उस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। बनाने, बेचने, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। तो सरकार का बड़ा फैसला सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ, 1 जुलाई 2022 से इन प्रोडक्ट्स के सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगा दी जाएगी, बड़ी खबर आती हुई दिख रही है सरकार की तरफ से इस समय। और इससे भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा पेपर स्टॉक्स में एक्शन बनते हुए दिख रहा है। भारत सरकार का ऑफिशियली नोटिफिकेशन अब बाहर आ चुका है। जब ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी आया था, तब हमने सबसे पहले रिपोर्ट किया था, और अब ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लियरेंसेस का सब नोटिफिकेशन अब बाहर आ चुका है। भारत सरकार ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स नोटिफाई कर दिए, जिसका मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक लाइक ईयरबड्स, प्लास्टिक स्टिक्स फॉर बलून्स, प्लास्टिक फ्लैग्स, कैंडी एंड आइसक्रीम स्टिक्स को बैन कर दिया है 1 जुलाई 2022 से। प्लास्टिक प्लेट्स, कटलरी प्लेट्स, कप्स, ग्लासेस बैन फ्रॉम 1 जुलाई 2022। जो 75 जीएसएम का भी ग्राम पर स्क्वायर मीटर का प्लास्टिक कैरी बैग है, उसको सितंबर 2021 इंपैक्ट करते हैं, 2 से 3 महीने में ही बैन कर दिया जाएगा ऑल ओवर इंडिया। प्लास्टिक कैरी बैग जो 120 माइक्रॉन 31 दिसंबर 2022 से बैन कर दिया जाएगा। इनफैक्ट मैं बता दूं, खबर पेपर कंपनीज के लिए अच्छी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रगति मीटिंग्स में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिव्यू मीटिंग्स होती है, उसमें हमने इनफैक्ट रिपोर्ट भी किया है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक को फेज आउट करने पर प्रधानमंत्री ने ये भी बोला है कि पेपर कैरी बैग्स फोकस किया जाए, जूट पेपर बैग्स फोकस किया जाए। लेकिन जो बाकी के अफसर लोग थे, उन्होंने प्रधानमंत्रियों को बोला कि पेपर इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर प्लास्टिक, क्योंकि आज के टाइम पे रिसाइकल पेपर इतना मजबूत होता है कि वो प्लास्टिक को भी कहीं ना कहीं रिप्लेस कर सकते। तो डेफिनेटली पेपर स्टॉक्स के लिए ये बहुत बड़ी खबर यहाँ पे आती है।